हिलीज के ऊपर। अरे आंख निकाल लूंगा अगर मेरी हिलीज की तुम गई। कोडा शॉप लाया है सब लोगों के लिए कमाल का ऑफर। अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोडा शॉप पे जाते हो और यूसी परचेज करते हो तो आप लोगों को मिल सकता है अप टू 40% बोनस यूसी। ये ऑफर अवेलेबल है 22 मार्च से 28 मार्च तक। याद रहे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही कोडा शॉप पे जाना है इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए। अब यूसी खरीदने के लिए आपको कोडा शॉप पे आना है, वहां पर अपना बीजेएमआई का आपको करेक्टर आईडी डालना है, जितना यूसी खरीदना है वो डालना है और पेटीएम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करते जाना है और आपका पेमेंट डन हो जाएगा। याद रखना है एक बार अपने को आप रिस्टार्ट कर लेना ताकि यूसी रिफ्लेक्ट होने लगे वहां पर। और कोडा शॉप के नए नए ऑफर्स को सबसे पहले जानने के लिए उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलो जरूर कर लें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब क्योंकि प्रमोशन की बात हो चुकी है तो अब बात करते हैं गेम प्ले की। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज के गेम प्ले में मैं फिर से खेल रहा हूँ गेम एक्स प्रो के साथ। मतलब तुमको पता है खींचा तानी मजाक उड़ाना ये सब तो खूब जम के होने वाला है, लेकिन तुम लोग का एक क्वेश्चन था जो कल मैंने नोटिस करा। तो असल में क्वेश्चन ये था कि मैंने एक नया कंपेनियन कब अनलॉक कर लिया, क्योंकि कल की वीडियो और आज की वीडियो में दोनों में आपको मेरे साथ एक कंपेनियन भागता हुआ मिलेगा। अब ये कंपेनियन मैंने कब अनलॉक करा और अनलॉक करा तो उसकी वीडियो क्यों नहीं डाली, है ना। अब ये क्वेश्चन बनता था तो मेरे को लगा कि हाँ चलो इसका आंसर मुझे देना चाहिए। तो जिस कंपेनियन की मैं बात कर रहा हूँ उसका आई थिंक नाम शायद रिगोर है या रिगोर है, आई डोंट नो उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखी नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ नाम है उसका। अब वो बड़ी मैंने कब अनलॉक करा, तो भैया देखो वो बड़ी अनलॉक करा था मैंने कल, ठीक है। और कितने यूसी खर्चा करी, 18 यूसी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो असल में मैंने कोई वीडियो इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि ये जो कंपेनियन है ये मेरे को लिमिटेड टाइम के लिए मिला था, आई थिंक शायद एक दिन के लिए मिला था, जो कि अब ऑलरेडी ख़त्म भी होने वाला होगा। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बन रहा था इस बात का। तो भैया कोई कंपेनियन मैंने अनलॉक नहीं करा है, कल मैंने देखा ये कुछ नया स्पिन था तो मैंने करा, उसमें कुछ नहीं निकला, शायद कुछ वाउचर्स निकल आए थे। तो मैंने एक और बार स्पिन करा क्योंकि 30 यूसी का मेरे पास एक वाउचर पड़ा हुआ था, तो मेरा आई थिंक 30-18 ऐसा कुछ यूसी लगा हुआ था और उसमें मेरे को एक दिन के लिए वो मिला था। तो इसीलिए मैं उस पर अब क्या ही वीडियो बनाऊँ, है ना। और कैम्पेनियन भी सही बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो अनलॉक तो उसे बिल्कुल भी वैसे भी नहीं करूँगा मैं। मतलब पास्ट में जिस हिसाब से आ चुके हैं आपके कॉन्ग आया है और कौन था गॉडजिला, आई थिंक ये दो बेस्ट हैं, कॉन्ग और गॉडजिला बेस्ट अब तक के कैम्पेनियन कह सकते हो, बाकी सब मेरे को उतने खास लगते नहीं। और इस बार जो है वो तो भाई कतई टट्टी सा दिखता भी है और है भी अच्छा नहीं। वेल जो भी हो मुझे नहीं पता कि क्या है ये, किसके साथ कलेबरेशन हुआ है पबजी का, क्योंकि ये जिसके साथ भी हुआ है मैं नहीं जानता और मेरे को जानना भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है इस बंदे में जो कि कैंप कर रहा था और मेरे टीममेट को खा भी चुका था। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही आराम से भर दिया, अपने टीममेट को रिकॉल करा और तभी इसका साथी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया, उसको ट्रोल करा, लेकिन तभी पोचिंग की में गेम एक्सप्रो फिर से नॉक हो गया। अब क्योंकि गेम एक्सप्रो ऑलरेडी एक बार रिकॉल किया जा चुका था तो इस बार वो फिनिश होता तो नहीं बचता, तो यहाँ पर मैं फुल स्पीड में गया उसको बचाने के लिए। अरे
अब यार ये मेरे को पहले दिखा ही नहीं था। वेल जो भी हो इसको मैंने मार दिया। गेम एक्स प्रो तो नहीं बच पाया लेकिन हाँ हम दोनों बच गए थे और हमको अब गेम प्ले निकालना था। तो यहाँ पर हम बैठे गाड़ी में और बंदे को ढूंढने गए लेकिन बंदे तो हमको खुद ही मिल गए। अब इसको मैंने नॉक तो कर दिया बट मैं बहुत लो एचपी में बचा था और यहाँ पर एक और बग्गी आ गई। अब यहाँ मैंने इसको मारा ये फिनिश हो गया। तो मेरे को लगा जिस बंदे को मैंने पहले नॉक करा था उसकी भी किल फिनिश हो गई लेकिन नहीं उसकी किल चोरी हो गई यार। अब यार ये किसकी टीम का था मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे को एक बात जरूर पता है कि उसने मेरी किल चुरा ली और उसको मैंने ठोक दिया। उसके बाद हम लोग ने गाड़ी उठाई और आपको पता है हम कहाँ जाएंगे। हाँ माय अपार्टमेंट, इस उम्मीद में कि यहाँ पर हमको कुछ बंदे मिलेंगे। अपार्टमेंट में तो बंदे नहीं थे लेकिन बस देखते जाओ कुछ खतरनाक होने वाला है। अब यहाँ पर मेरे को गाड़ी दिखी और मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। भाई मुझे पता नहीं है इधर क्या हुआ बट हाँ मैं बच गया। उसके बाद मैं गाड़ी लेके बस निकला ही था रिकॉल टावर की तरफ चेक करने के लिए क्योंकि मेरे को उधर से एक बग्गी जाती दिखाई दी थी। हाँ बस तुम भी देखते जाओ इधर क्या होने वाला है। अब यहां पर मैंने दो नॉक तो निकाल दिए थे लेकिन एक बंदा बच गया था। उसने आगे जाके गाड़ी रोकी। अब इनका चौथा बंदा किधर था अपन को पता नहीं है बट यहाँ कोई तो मिल गया। भाई बेचारा फ्री में मर गया। उसके बाद हम लोग इधर आए, मेरे को एक बंदा दिखा और मेरी गाड़ी हवा में उड़ गई। गेम एक्स प्रो खुश।